हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक बुरी खबर लाया हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रायता नहीं फैला रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपके प्यार से आज हमारा सब्सक्रिप्शन जो बेस है वो 10,000 क्रॉस कर चुका है। दोस्तों, बुरी खबर ये है कि मारुति सुजुकी इंडिया, मतलब देश की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता, कार निर्माता जो कंपनी है, अब वो डीजल इंजन नहीं बनाएगी। यानी कि एक अप्रैल 2019 के बाद अगर आप मारुति की डीजल गाड़ी खरीदना चाहेंगे तो आपका ये सपना पूरा नहीं हो सकता। हाँ, 1500 सीसी से नीचे, सबसे ज़्यादा लेकिन 1500 सीसी के नीचे ही गाड़ियाँ बिकती मारुति की, तो एक क्लियर है। 1500 सीसी के ऊपर आपको मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसके नीचे मारुति डीजल इंजन ना बनाएगी ना बेचेगी। जो अभी उसके पास बन रहा है, अभी जो बना रही है, उसको किस तरीके से निपटाएगी ये देखना होगा। और ये जो खबर आ रही है, ये आज बोर्ड मीटिंग के बाद में जो कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया है, जो कंपनी के चेयरमैन है आरसी भार्गव, उन्होंने साफ साफ क्लियर शब्दों में कहा है कि अब डीजल इंजन नहीं बना सकते वो, क्योंकि छोटी गाड़ियों में वो मार्जिन नहीं आएगा। और अफोर्डेबिलिटी को देखा जाएगा तो उसमें BS6 में जब अपग्रेड होंगे डीजल इंजन तो उसे कंपनी जस्टिफाई नहीं कर सकती है। और ये बुरी खबर कही जा सकती है सबके लिए, खास करके ये सबक है सरकार के लिए और उन पर्यावरणविद वालों को भी एक तमाचा है कि देखो, आप बात कर रहे थे कि भाई आप डीजल इंजन ही ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, पूरे देश में जो पोल्यूशन फैल रहा है सिर्फ डीजल इंजन की वजह से फैल रहा है, सिर्फ 10 साल तक ही डीजल की गाड़ियाँ चलेंगी। तो इन सब सवालों का एक बड़ा जवाब दे दिया है एक बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी ने, बिना कुछ तामझाम के, बिना कुछ रायता फैलाए, बिना कोई प्रेस रिलीज बनाए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बातों बातों में बोल दिया है कि अब 1 अप्रैल 2019 के बाद वो 1500 सीसी से नीचे के डीजल इंजन नहीं बनाएंगे। यानी कि अब विकल्प खत्म है। अब और कंपनियां क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, उसका साफ साफ उनका भी, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि उनको डिसाइड करना है क्या वो अफोर्डेबल डीजल इंजन बना सकते हैं जो भारतीय बाजार में बेच पाए, वो उन पर निर्भर करता है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, पर हाँ, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तो अब एक बढ़िया मौका भी है। अब एक बुरी खबर के बाद एक अच्छी खबर बता दूं, अगर आप डीजल इंजन के फैन हैं तो ये सबसे बढ़िया मौका है मारुति की डीजल इंजन को खरीदने का, क्योंकि अभी किसी कंपनी को नहीं पता है कि कितना बनाना है, कितना बिकेगा। क्योंकि एक जानकारी और आपको देता चलूं, 1 अप्रैल से पहले जो BS4 गाड़ियां हैं वो सिर्फ बिकी नहीं जानी चाहिए, और रजिस्टर भी हो जानी चाहिए। अगर आपने खरीद के रखी हुई है गाड़ी और 1 अप्रैल तक रजिस्टर नहीं करवा पाए हैं तो आपके लिए गाड़ी कूड़ा हो गई। ये भी एक खबर अपग्रेड कर लीजिए, अपने आप को समझा लीजिए, क्योंकि यहाँ तक पूरी इन्वेंट्री ख़त्म ही नहीं करनी है कंपनियों को, इसको रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि ये अभी आप लास्ट मंथ में खरीद लो और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपके लिए गाड़ी ख़राब हो जाएगी और आपके वो किसी काम की नहीं होगी। तो सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि मार्च से पहले पहले, मतलब मार्च शुरू होने से पहले, मार्च 2019 से पहले पहले आप ये सारे काम निपटा लें, और किसी भी तरह से इसके बाद में ना सोचें कि रजिस्ट्रेशन को लंबे वक्त के लिए टालें कि भैया बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं तो आपका पैसा भी फंस सकता है। लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो बढ़िया है। और एक जानकारी और मारुति की तरफ से दे दूं, कंपनी ने 8% का अपना ग्रोथ का उम्मीद लगाया है अगले इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन उसने इसमें 3 महीना कट कर दिया है क्योंकि उसे पता ही नहीं 3 महीने में क्या होने वाला है। वो 3 महीने होंगे वो लास्ट वाले जो शुरुआत है जहाँ पे बंद होने वाला है सब कुछ, तो वो उस 3 महीने को लास्ट वाले ऐड नहीं किया, सिर्फ उसने 9 महीने को उम्मीद लगा के एक आंकड़ा दिया है। तो दोस्तों, ये एक बुरी खबर थी जो मारुति की तरफ से आज आई, लेकिन उसमें अच्छाई ये छिपी थी कि आपके लिए बढ़िया मौका है। आप अगर चाहें तो अब सबसे बढ़िया टाइम रहेगा डीजल इंजन पे इन्वेस्ट करने का, और कंपनियां बहुत सारा ऑफर भी दे रही हैं और ये ऑफर पूरे साल चलता रहेगा। ऑफर का मत घबराइए कि इस महीने चल रहा है अगले महीने नहीं मिलेगा, ऑफर आपको पूरे टाइम मिलेगा जब आप जाएंगे, और पूरे साल आप मार्च तक इंजॉय कर सकते हैं, मार्च 2019 तक ये आप ऑफर इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा मेरी ये छोटी सी वीडियो है जरूर अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा जानकारी मैंने दे दिया है और ये आपको बचा सकता है, और ये के अपडेट भी है और आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो इस इंजॉयमेंट को बनाए रखने के लिए बात बताऊँ, 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं तो आप इसे भी सेलिब्रेट कर सकते हो। दबा दो बटन।
ठीक है, और घंटी भी बजा लो जिससे आपको मैं नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं फिर आपसे मिलूंगा। आज मेरे पास मौका नहीं था कहीं और बैठ के वीडियो बनाने का, तो चलती गाड़ी में बनाया है। सॉरी अगर किसी को लगता है कि मैंने कानून का पालन नहीं किया है, तो धीरे धीरे कहीं पे ऐसे बड़े ट्रैफिक में नहीं हूँ, ऐसे नॉर्मल रोड में चला रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। पर मेरे पास मौका नहीं था और ये खबर देनी जरूरी थी, सो मैंने बनाया। अपना ध्यान रखिएगा, मैं फिर मिलूँगा।